तो आज हम आपको बताएंगे पंजाबी कढ़ी पकौड़ा कैसे बनाया जाता है। बहुत ही आसान विधि है इसको बनाने की। सबसे पहले आपने ले लेना है 1 किलो दही। तो 1 किलो दही ले लीजिए और उसको अच्छी तरह फेंट लीजिए। फेंटने के बाद उसमें आपने 250 ग्राम जितना पानी उसके अंदर डाल देना है और उसको इसके बाद फिर फेंटना है। उसको फेंटने के बाद आपने क्या करना है कि उसको एक तरफ रख देना है, अभी थोड़ी देर के लिए रख देना है। और आपने क्या करना है, बेसन ले लीजिए। बेसन बेसन में आप नमक मिर्च स्वाद अनुसार डाल करके और उसको पानी डाल करके मिक्स करके बेसन के पकौड़े जो है आपने देसी घी में तल लेने हैं। देसी घी में बेसन के पकौड़े तल लेने हैं, उसको रेड ब्राउन नहीं करना, हल्का सा तलना है और ताकि उनमें कड़ापन आ जाए, और उनको अलग तल करके अलग रख देना है। उसके बाद आपने जो मिश्रण दही का बना के रखा हुआ है उसको चूल्हे में रख देना है और आपने उसको हिलाते रहना है, थोड़ा सा पानी और डाल करके उसको हिलाते रहना है और देखते रहना है कि उसमें गाढ़ापन आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब उसमें गाढ़ापन आ जाए तो उसमें आपने स्वाद अनुसार मिर्च वगैरह डाल करके, हरी मिर्च डाल के, हरी धनिया वगैरह डाल करके उसको मिलाते रहना है और उसके बाद जो पकौड़े आपने बेसन के तल के रखे हैं वो उसके अंदर डाल देने हैं। डालने के बाद उसको हिलाते रहना है। हिलाने के बाद आपने क्या करना है, थोड़ी देर उसको पकने देना है। जब आप देखेंगे पक गया है और उसका रंग, कढ़ी का रंग ऊपर आने लगा है, तो आपने उसको उतार करके रख देना है और आप ठंडा करके आराम से बाद में उसको खा सकते हैं। आपका पंजाबी कढ़ी पकौड़ा तैयार है। खाइए, खाकर मस्त होइए। थैंक यू वेरी मच।